ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसके पहले 1.3 के बाकी क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में हो चुके हैं, ठीक है ना, क्लास में। तो क्या बोल रहा है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। इसमें क्या करना है आपको, निगेशन लाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है आपको राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसके निगेशन निकालना है आपको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं देखो, यहाँ पे कनेक्टिव कितने लगे, पहले बात सुन लो, कनेक्टिव कितने लगे, दो कनेक्टिव है, एक कौन सा इफ देन, एक कनेक्टिव हो गया और उसके बाद में और एंड लगा हुआ है। तो जब एक कनेक्टिव के लिए दो स्टेटमेंट रहते हैं तो दो कनेक्टिव के लिए तीन स्टेटमेंट रहेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इफ देन एक कनेक्टिव हो गया और दूसरा कौन सा है, एंड है, यानी यहाँ पे दो कनेक्टिव है तो स्टेटमेंट कितने हो जाएंगे, थ्री। ओके तो देखो, और तो यार लेकिन सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, ठीक है। फिर ले स्टेटमेंट कितने अपने, देखो इट इज रेनिंग एक स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद में वी विल गो दूसरा स्टेटमेंट हो गया, और रहते हैं एंड नाम, तो वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, वो गया और उसके बाद उसने फुटबॉल खेला होगा, ठीक है ना, वी विल गो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया, दूसरा वी विल गो और दूसरा क्या बोलेगा, वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। एक स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला पी आएगा, दूसरा क्या आएगा क्यू, और बाद में क्या आएगा आर। तो स्टेटमेंट पहला कौन सा हो जाएगा, इट इज रेनिंग, दूसरा क्या बोलेंगे अपन, वी विल गो, वी विल गो, और तीसरा क्या आएगा फिर, वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल। देखो वी विल गो वो गया भी था, समझो वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो एंड आया इसका मतलब वी विल गो और वी विल प्ले फुटबॉल, ऐसा लिखेंगे, वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, स्टेटमेंट को लिख दिया अपन ने, ठीक है। एक पहले इफ देन में आया तो ये मेन बाहर निकल जाएगा, उसके बाद में इसको इंप्लीकेशन में लिखेंगे अपन, ऐसा इफ देन है ना, उसके बाद जो है इंप्लीकेशन में आएगा, उसके बाद में दो स्टेटमेंट है तो ये ब्रैकेट में आएंगे, इसमें आएंगे ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म पी, देखो इफ देन के बीच में कौन है, पी है, पी इंप्लीकेशन ऑफ, अब इसके बाद में और दो कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं तो इसको अपन ब्रैकेट दे देंगे, ऐसा क्या आ रहा है, इसको वी विल गो क्या बोले अपन ने, वी विल गो को क्यू बोले हैं, क्या बोले हैं क्यू, एंड है इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, और वी विल प्ले फुटबॉल इसको क्या बोले अपन ने, आर, हो गया ऐसा। ये क्या हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म, क्या हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, इसको क्या करेंगे अपन, निगेशन, इट्स निगेशन, इसका निगेशन लिखेंगे अपन, इट्स निगेशन, इट्स निगेशन। तो निगेशन क्या होगा, अच्छा देखो सिंबल उसका ऐसा आता है निगेशन का, ठीक है, निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू एंड आर, ओके पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू एंड आर। तो आपको पता होगा कि जब देखो ये ऐसा था इंप्लीकेशन ऑफ उसको कंडीशनल लॉ होती है, क्या बोलते हैं कंडीशनल लॉ, एक बाय कंडीशनल लॉ होता है, ठीक है। कंडीशनल लॉ का ऐसा होगा पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू रहेगा तो इसका क्या होता है, देखिए निगेशन ऑफ P और Q ऐसा होता है, या ऐसा भी होता है, देखो इसको अपन निगेशन बोले इधर और होके Q आया, ऐसा भी होता है P जैसे का वैसा रहेगा एंड आएगा तो निगेशन Q होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है, ये वो इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे P इंप्लीकेशन Q होता है तो पहले को निगेशन करने का और का साइन लगाने का और Q करने का, ठीक है। तो देखो ये ऐसा हो गया, ये P पूरा एक स्टेटमेंट और इसको बन देखो पूरा एक स्टेटमेंट है, समझो ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। तो P implication of Q ऐसा हो जाएगा, ये P implication of Q ऐसा समझो, P implication of Q तो क्या होता है negation of P, इसका मतलब ये वैसे कैसे रहेगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतने कुछ यानी इतने को सॉल्व कर रहे हैं, तो negation ही रहेगा। P implication of Q क्या होता है, negation of P होता है, यानी negation of ये वाला आएगा, negation of P सिंपल में क्या आएगा, उसका कनेक्टिव और आएगा और ये जैसे का वैसा आएगा ना, जैसे का वैसा Q एंड R। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब निगेशन से अपन क्या करेंगे, जब इंटू करेंगे निगेशन से इंटू करते तो जो कनेक्टिव होता है ये क्या बदलता है, ठीक है ना। तो निगेशन निगेशन क्या जाएगा, कैंसल, निगेशन निगेशन क्या जाएगा, हो जाएगा कैंसल। तो निगेशन निगेशन कैंसल जाएगा, क्या आएगा P, ठीक है, इसका इसे भी इंटू करेंगे, इसका इसका भी इंटू करेंगे, ठीक है। निगेशन निगेशन कैंसल का P आ गया, तो ये जो और इसका क्या हो जाएगा, एंड क्या होता है, एंड होता है, ठीक है, इसमें पता है ये एंड हो जाएगा। उसके बाद में
इसको भी स्क्रीन करेंगे अपन, तो ऐसे निगेशन आ पाएगा क्या, क्यू एंड आर, ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया सर, अब इसको भी अपन सेपरेट निगेशन दे सकते हैं, ठीक है। जब निगेशन से इसको और इसको इंटू करेंगे ना अपन, तो ये एंड में क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और, तो क्या हो जाएगा पी एंड, क्या हो जाएगा पी एंड निगेशन इंटू क्यू निगेशन क्यू, बराबर है, निगेशन इंटू क्यू निगेशन क्यू, और एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और निगेशन आर, ठीक है। ये आपका हो गया इस निगेशन, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं इसका निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, निगेशन देखो तुम दिखते हो, ठीक है। तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होगा, देखिए पी इधर देखना पहले, पी सिर्फ सिंपल पी है ये, पी क्या दिया आपको, इट इज अ रेनिंग, जैसा बोला वैसे लिखेगा, ठीक है ना, इट इज रेनिंग आएगा यहाँ पे, इट इज रेनिंग, बाद में क्या है एंड, एंड आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, ये क्यू है, इसका निगेशन क्या आएगा, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, बाद में क्या है और, और निगेशन ऑफ आर, आर का दिया है वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसा आएगा, निगेशन ऑफ आर आया है तो वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, ओके समझ में आया, ऐसा है इसको। तो ये जो स्टेटमेंट आता है आपका निगेशन, इस निगेशन सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसके ऊपर इसको डिपेंड करके अपने को ऊपर स्टेटमेंट लिखना पड़ता है बाद में, ठीक है। तो पी जैसे था वैसा पी अपने पूरा लिखे, एंड आया है तो एंड लिखे, निगेशन ऑफ क्यू, क्यू जैसे वैसा था उसमें एंड लगा दी सिर्फ अपन ने, फिर आर है तो आर लिख दिए, आर जैसे का वैसा लिख रहे तो उसमें निगेशन है इसलिए नॉट लगा दिए, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, इस तरीके है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, निगेशन क्या आएगा, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, खत्म का, ठीक है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे अपन, ठीक है, क्या बोलेंगे, लेट पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रूट टू इज रैशनल नंबर, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म, फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा सिर्फ पी, उसका निगेशन क्या आएगा, इस निगेशन, निगेशन ऑफ पी ऐसा होगा, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म पी, एक ही सिंबल, एक ही स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट आएगा पी, उसका निगेशन क्या होगा, निगेशन पी, अब इसको क्या लिखेंगे अपन, स्टेटमेंट इसका क्या होगा, निगेशन लिखेंगे, ठीक है ना, निगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा फिर इसका, रूट टू इज अ, रूट टू इज नॉट, सिर्फ पी को निगेशन करना है, रूट टू इज नॉट रैशनल नंबर, रूट टू इज नॉट रैशनल नंबर, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स के बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखो, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं ना, होता है, होल नंबर में जीरो से चालू होता है, जीरो में फिर वन टू तो आएंगे ना, तो नेचुरल नंबर आएगी आएगी, ठीक है। इसको अपने निगेशन या पिछले में कितने दिए, एक ही दिया है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, अपन क्या बोलेंगे, ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, सिंपल सा, ओके ऐसा करना है आपको। पहले आएगा लेट पी स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या लग होल नंबर, उसके बाद क्या करेंगे इसका अपन, इस निगेशन, इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिर्फ पी, और इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन पी, अब इसको अपन कंपाउंड स्टेटमेंट का पूरा निगेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर
आर नॉट होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, ठीक है, बस हो गया। सिर्फ निगेशन में इसमें एक ही स्टेटमेंट रहा था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता उसमें कुछ, सिंपल या आर दिया है, आर के बाद नॉट लगा दो, कार्यक्रम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट एट नंबर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, नंबर बिलोंग्स नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय फोर, इज डिविजिबल बाय फोर। इसमें आपको कुछ दिया है क्या, कोई नंबर दिया है क्या, जैसा पहला एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन था वहां पे उसके ये में उसके एलिमेंट दिए थे, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ दिया नहीं, सिंपल सा वैसे इसका निगेशन लगा लो, क्या बोलोगे तुम, इसको चेंज करेंगे, ठीक है, फॉर ऑल दिया, इसको क्या करेंगे अपन, ये देयर एग्जिस्ट, इसका चेंज करना पड़ेगा, इधर में रखना है आपको, फॉर ऑल दिया है तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट जैसे का वैसा इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, हो गया, ऐसा ही करना है, सिर्फ इसको ध्यान रखना है, जब ऐसा आएगा तो फॉर ऑल के लिए देयर एग्जिस्ट लिखने का और देयर एग्जिस्ट के लिए फॉर ऑल लिखने का, ठीक है, निगेशन में ऐसा करना है आपको। तो इसका निगेशन क्या लिखेंगे पहले अपन, देखिए कुछ हाँ, इसका निगेशन डायरेक्ट होगा, इसका कुछ सिंबल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे अपन, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, इट्स निगेशन, क्या होगा निगेशन, पहले बोला आपको ये सर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट आएगा, देयर एग्जिस्ट आएगा, ठीक है, जैसे का वैसा एन बिलोंग्स टू एन और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, ऐसा ही करना है आपको, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट करना है, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल करना है, ठीक है, बाकी जैसे का वैसा इच के बाद में नॉट लगा देना है, खत्म। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, टेन क्वेश्चन, नाइन क्वेश्चन, क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन such that x minus 17 is greater less than 20, ठीक है, there exist x belong to n, ठीक है, x belong करता है natural number से, such that x minus 17 is greater less than 20, अपने को क्या पता है, अभी कोई element दिया कि उसके ऊपर अपने वो कुछ भी दिया, negation करना है ना, ठीक है, बोला करेंगे, इसका क्या होगा, पहले अपने पता है, each negation इट्स निगेशन, क्या होगा इसका निगेशन, इसका क्या होगा, पहले फॉर ऑल होगा, ठीक है, इसका फॉर ऑल होगा, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना है निगेशन में, जैसे का वैसा यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इज लेस देन बोला है तो नॉट लेस देन, बस हो गया, तो एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स माइनस 17 इज नॉट लेस देन 20 बोलो, या इसको ऐसा बोल सकते हो आप, और में x माइनस 17 समझो छोटा नहीं है तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, छोटा नहीं है तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, इक्वल टू रहेगा, तीनों ही सिर्फ छोटा बड़ा और इक्वल टू, तीनों टॉपिक रहते इसके, तो देखो जब ये छोटा नहीं है तो क्या रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, बड़ा या इक्वल टू रह सकता है, ऐसा ये भी लिख सकते हो, इसके जगह पे ये दोनों में कोई भी चला सकते हो, ऐसा है, ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखने से पहले उसका बेसिक देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का वहां पे अपने को क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोला है कि राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है, तो कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, देख लेते हैं पहले, देखो अपने पास दो स्टेटमेंट है पी, इसमें कभी भी पी इंप्लीकेशन क्यू ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसा ही रहने वाला है, ये जो रहेगा पी इंप्लीकेशन इफ देन के फॉर्म में रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे दो फॉर्म में रहेंगे, इफ देन के फॉर्म में रहेंगे, तो इसमें क्या होता है, देखो जब इसका अपन कन्वर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा कि P implication of Q इसका कन्वर्स होगा Q implication of P, क्या होगा Q implication of P, ये बात ध्यान रखना है, इसका कन्वर्स बोले तो उल्टा करेगा, ठीक है ना, P implication of Q
क्यू का कन्वर्स होगा क्यू इंप्लीकेशन ऑफ पी, ठीक है। ये कन्वर्स भी ध्यान रखना है आपको सिर्फ, अरे कैसा बोलेंगे अपन, समझिएगा स्टेटमेंट है कि P implication of Q है, उसको क्या बोलेंगे अपन, Q implication, जो पहला स्टेटमेंट बाद में लिखना, बात का पहले लिखना, ऐसा P पहले था वो बाद में गया और बात का पहले आया, पहला नंबर दूसरे पे गया, दूसरा नंबर पहले आया, कहां पे, कन्वर्स में, कहां पे, कन्वर्स में, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका P implication of Q को तो अपन समझो इनवर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनवर्स, इनवर्स कर रहे तो क्या होगा, जैसे का वैसे ही रहेगा लेकिन दोनों को क्या लगेगा, निगेशन लगेगा, क्या लगेगा, निगेशन लगेगा, बस यही काम करना है। इनवर्स में क्या होगा, निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू, बस इतना ही लगने वाला है। कन्वर्स में पहला दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरा पहले पे जाएगा। इनवर्स में जैसे का वैसा है, दोनों को सिर्फ निगेशन लगेगा एंड जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको निगेटिव बोलना है, सब कुछ जैसे का वैसा रहेगा सिर्फ स्टेटमेंट को निगेटिव बोलना है, ठीक है। और बात करता है आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू ही रहेगा ऐसा, इसका समझो अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करने का है, इसको आगे लाओ इसको पीछे लाओ, खत्म। एंड निगेशन ऑफ क्यू इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी, ऐसा करना है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, पी इंप्लीकेशन का कन्वर्स करना है तो सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड में जाएगा, पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू का क्यू इंप्लीकेशन ऑफ पी होगा। उसके बाद में इसका इनवर्स करना है तो जैसे का वैसा सिर्फ निगेशन लगा दो, और कंट्रा पॉजिटिव करना होगा तो सेकंड, सेकंड का निगेशन इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट का निगेशन, ठीक है, सेकंड का निगेशन इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट का निगेशन करना है। ये तीन टॉपिक आपको ध्यान में रखना है और इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट बनाना है बाद में, ठीक है, इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन के, तो ठीक है, ये बेसिक है। अब देखिए इसके बाद अपन फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, वो लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका अपन क्या दिया है, इफ, यहाँ के क्वेश्चन पूरे भी इफ देन के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, अदर देन कुछ नहीं रहेगा इसके बाद। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन हो गया, इफ देन आगे एक स्टेटमेंट हो गया, एक स्टेटमेंट है, देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, x y belongs to r, सिंपल सी बात है। अपने को देखो यार क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है, तीनों लिखना है आपको, तीनों स्टेटमेंट लिखना है। सबसे पहले इसको अपन क्या बोलेंगे, सिंबल फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्या करेंगे, जब तक सिंबल p इंप्लीकेशन q आएगा ही नहीं तब तक सॉल्व कर देगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है क्या करना है, इनवर्स में क्या होगा, कन्वर्स में क्या होगा, कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, ठीक है। पहला आता है कन्वर्स, ध्यान रखना है, पर कन्वर्स में सिर्फ उल्टा, इनवर्स में दोनों को निगेशन और उसके बाद में कंट्रा पॉजिटिव में दूसरे का निगेशन, इंप्लीकेशन ऑफ पहले का निगेशन, बस यही बात ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले लेट सॉल्यूशन में P, पहला स्टेटमेंट कौन सा है, x इज ग्रेटर देन y, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर एंड x y बिलोंग्स टू r, बस। अब इसको क्या करेंगे अपन, सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिया है, कनेक्टिव यहां पे क्या है, कनेक्टिव है इफ देन, क्या है इफ देन, तो यहां लिखेंगे अपन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म P, If then है इसलिए implication of Q हो गया, सिंपल फॉर्म हो गया आपका। अब क्या करेंगे इसके बाद अपन, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद में अपन उसका कन्वर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे, ओके। तो पहले लिखेंगे अपन कन्वर्स, क्या होता है कन्वर्स, Q implication of P, बस हो गया। अब Q कौन है, Q ये वाला है, तो इसको लिख दो पहले, ऐसा क्या लिखो, यहाँ पे क्या है implication, implication में क्या होता है, if then आता है, पहले if आएगा, एक पहला एक स्टेटमेंट आएगा उसमें में देन आएगा उसमें दूसरा स्टेटमेंट आएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट के बीच में स्टार्टिंग में इफ आएगा और एक स्टेटमेंट खत्म होने के बाद में देन आएगा, ठीक है ना। तो क्यू पहले कौन क्यू है, ये वाला, तो इफ तो आएगा ही आएगा, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन, ठीक है, देन पी कौन है आपके पास में, ये वाला एक्स इज ग्रेटर देन वाई, हो गया पहला, ठीक है, पहला हो गया। हाँ, अभी इसके कन्वर्स के बाद क्या लिखेंगे अपन, इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे, इनवर्स में क्या बोलते हैं अपन ने, जैसे का वैसे, जैसे का वैसा, निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू, जैसे वैसा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे क्या है, इफ देन आया, इफ देन इंप्लीकेशन आया ना, इफ देन आएगा ना, तो पहले स्टार्टिंग करते लिखेंगे,
अब क्या लिखेंगे, पी, पी का निगेशन, ये हो गया आपका पी, कोने पी एक्स इज ग्रेट लेस देन वाई, इसका लिखे निगेशन बोला, हो गया नॉट लग गया, बाद में क्या आया है, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, सेकंड चालू होने से पहले देन लगाना पड़ता है, देन निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का अपना ये वाला क्यू है, क्या है क्यू, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका भी क्या दिया आपको, निगेशन, तो नॉट, ठीक है लग जाएगा, ये आपका हो गया इनवर्स हो गया, ठीक है सिंपल वो। अब क्या आएगा आपका, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या आएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ऐसा लिख सकते हो, इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा तुमको वो भी पता है, क्या होगा समझो, एक्स ये भाई छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा रहेगा, इक्वल टू रहेगा, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, देन देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी लिख सकते हो आप, यानी आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है दोनों आंसर बराबर। अब तीसरा क्या आएगा आपके इनवर्स के बाद में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, दूसरे का निगेशन इंप्लीकेशन ऑफ पहले का निगेशन, दूसरे का निगेशन इंप्लीकेशन ऑफ पहले का निगेशन, तो दूसरे का निगेशन है निगेशन ऑफ क्यू इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी, तो निगेशन ऑफ क्यू कौन है आपको पहले से पता चल गया है कि ये आने वाला है, ठीक है, या ये लिखो कोई भी ये लिख सकते अपन आपकी मर्जी, तो ये तो आएगा ही आएगा, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन ये आएगा एक्स इज नॉट लेस देन वाई, हो गया बस ऐसा ही था, ठीक है आपको कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, आपको एक बार ध्यान रखना है कन्वर्स में क्या होता है, इनवर्स में क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, कन्वर्स में सिर्फ सिर्फ चेंज होती है, इनवर्स में जैसे का वैसे रहता है, दोनों में निगेशन लगता है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों निगेशन होने के बाद, दोनों को चेंज करने के बाद उसको निगेशन लगता है, बस तीन टॉपिक ध्यान रखना है आपको, एक दो और तीन, और आपको अभी ये पूरा निगेशन तो करते ही आता है, जहाँ निगेशन उसको नॉट कैसे करना है आपको पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, अ फैमिली बिकम लिटरेट if then if the again ठीक है, if the woman in the in it is literate, ठीक है देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, जेव फैमिली का साक्षर होईल, जेव्हा महिला शिकतील तेव्हा फैमिली साक्षर होईल, तर आपण असं म्हणतो ना की द वुमन इन इट इज लिटरेट देन अ फॅमिली बिकम लिटरेट, जर महिला शिकतील तर त्यांचे कुटुंब साक्षर होईल, ठीक आहे ना, म्हणजे आपण उलट बोलू आता, म्हणजे पण इफ आलेलं आहे तर बरोबर आहे, पा इफ आलेलं आहे देन दिसलं नाही आपल्याला, देन दिखा क्या आपको नहीं दिखा, फिर कैसा करेंगे अपन, इसको ईव तो यहाँ लिख नहीं सकते, फिर यहाँ ईव दिया है, और क्वेश्चन भी वैसा ही है कि जब तक महिला साक्षर होगी नहीं तब तक उसकी फैमिली साक्षर होंगी नहीं, ठीक है ना, पढ़ेंगी नहीं, तो ऐसा ही है वो, एंड तो ईव यहाँ लगेगा, तो ईव द वुमन इन इट इज लिटरेट, ये पहला शब्द बोलेंगे इसको अपन, इसको दूसरा बोलेंगे, ठीक है चलो, ठीक है, द वुमन इन इट इज लिटरेट देन अ फैमिली बिकम लिटरेट, महिला शिकतील तर त्यांचे कुटुंब पण साक्षर होईल, ठीक आहे ना, असं देत असतं, तर आपण थोडं चेंज करणार आहे ना सोल्युशन, लेट क्या आएगा पी, क्या लिखेंगे आपण पहिले, द वुमन, देखो इफ दिया यहाँ पे देन इधर लिखेंगे आपण दिया इधर, ठीक है ना, तो पी में क्या बोलेंगे, ऐसा मत बोलना कि फैमिली बिकम लिटरेट तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इफ तो दिया नहीं है, सिर्फ इफ दिया देन दिया नहीं है, तो आप इसको इफ बोल द इधर से लिखेंगे, इसको देन बोल के ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या आएगा पहला, द वुमन इन पी में द woman in it is
लिटरेट, दूसरा क्या आएगा फैमिली बिकम लिटरेट, तो फैमिली भी क्या आएगी उसकी लिटरेट होगी, फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके अब इसका क्या करेंगे अपन, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल फॉर्म आएगा ये पी हो गया और ये क्या है क्यू है, तो पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू हो गया। अब आपको तो पता ही है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है एक बता देता हूं उसके बाद में आपको करना पड़ेगा बच्चों के लिए। हां तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स जैसे का वैसे का इससे उल्टा होता है, क्यू इंप्लीकेशन ऑफ पी होगा, ठीक है। अब क्यू कौन है आपको पता है, क्यू कौन है क्यू ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंबल कौन सा आया है इम्प्लीकेशन का, तो पहले स्टेटमेंट के आगे में इफ लगेगा, दूसरे खत्म हो गया तो देन लगेगा, दूसरे की स्टार्टिंग में देन लगता है। तो क्यू कौन है फैमिली बिकम लिटरेट, तो ऐसा लिखेंगे अपन इफ, क्या लिखेंगे इफ फैमिली बिकम्स बिकम दिया है, ठीक है लिटरेट। अब आएगा ये क्वेश्चन हो गया एक्सटेंड हो गया, अब आएगा देन, देन The woman in it is a literate. Then the woman in it is literate. ठीक है हो गया बेच बोलती नहीं क्या नेक्स्ट आपका इनवर्स, इनवर्स में क्या होता है जैसे का वैसे ही रहेगा सिर्फ दोनों का निगेशन लगेगा, तो निगेशन पी इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो इसमें क्या होगा देखो पी कौन है ये वाला, यहाँ पे बोलेंगे द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, सिर्फ क्या आएगा नॉट आएगा, और इसमें भी क्या आएगा फैमिली बिकम डज नॉट लिटरेट, ये तो लिख सकते ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। क्या होगा इफ तो लगेगा ही लगेगा, इंप्लीकेशन दिया है तो इफ लगेगा ही लगेगा, इफ द वुमन इन द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट देन देन आएगा क्यू, क्या दिया है फैमिली बिकम लिटरेट, फैमिली बिकम डज नॉट लिटरेट, ऐसे लिखेंगे अपन family becomes become does not literate, okay ये भी हो गया। next है आपका contrapositive, contrapositive क्या होता है ये आगे आएगा ये पीछे जाएगा, मैंने negation of q implication of negation of p कहाँ से देखेंगे अपन, देखो पहले तो ये लगेगा ही लगेगा बाकी ये कहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा इसको आगे लिखो और इसको उसके बाद में लिखो खत्म, ठीक है। क्या आएगा इफ फैमिली बिकम्स बिकम लिटरेट डज नॉट लिट डज नॉट लिटरेट देन द वुमन इन इट इज Not literate, ठीक है हो गया। ऐसा आपको converse, inverse, contrapositive लिखना है, ठीक है। उसके बाद में कितने बचे हो? ये दो बचे हैं, थर्ड देख लेते हैं अपन। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर
इंक्रीजेस। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, लेट दो स्टेटमेंट आएंगे पी और दूसरा कौन आएगा क्यू। क्या होता है पी में, इफ देन दिया है तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है सरफेस एरिया दूसरा क्या आएगा प्रेशर इंक्रीजेस। ओके सो गया, अब इसके लिए क्या लिखेंगे अपन सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू, पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू। अब इसका कन्वर्स लिखेंगे अपन, कन्वर्स होगा आपका पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू, क्या होगा पी सॉरी कन्वर्स पी इंप्लीकेशन नहीं क्यू इंप्लीकेशन ऑफ पी, क्यू इंप्लीकेशन ऑफ पी। तो इंप्लीकेशन नाम आया है तो यहाँ पे इफ तो लगेगा ही लगेगा, क्यू क्या है आपके उसमें प्रेशर इंक्रीजेस, क्या आएगा प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ओके अब कन्वर्स करते हैं इनवर्स, इनवर्स में क्या होगा, क्या होगा इनवर्स में निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू, बस वही है। अभी देखो ये तो लगेगा ही लगेगा पी प्रेशर डज नॉट आएगा फिर तो डज नॉट प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। ओके प्रेशर इफ नेगेटिव पी है ना, पी कौन है अच्छा हाँ पी हवा रखें सरफेस एरिया है, सॉरी पी हवा है सरफेस एरिया डज नॉट, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्री जेस देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। ओके और इनवर्स के बाद में कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में निगेशन ऑफ क्यू इंप्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी, तो ये तो आएगा आएगा, इसके बाद में ये वाला पहले आएगा ये वाला बाद में आएगा, खत्म है ठीक है ना, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। उसके बाद में आपको फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आपको एक करना है ठीक है, आज इतना ले लेते अपन 1.3 आपका खत्म हो चुका है, 1.4 फिर देखते हैं ठीक है।